निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के मामले में फरार उसके सहयोगी रायपुर निवासी व्यवसायी रंजीत सिंह सैनी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया। सैनी को पुलिस ने वैशाली नगर में उसके परिचित के यहाँ से दबोचा है। श्याम केमिकल के संचालक कमल कुमार से पैसे वसूली व मामला सेटलमेंट करने, दर्ज अपराध में धारा कम करने के मामले में सुपेला पुलिस ने 2021 में जीपी सिंह के साथ रंजीत सिंह सैनी पर मामला दर्ज किया था। पैसे वसूलने के मामले में आरोपी लंबे समय से फरार था। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि वर्ष 2016 में कमल कुमार और उसके पार्टनर के बीच विवाद हो गया था। इस बीच पुलिस ने आरोपी कमल को जेल भेज दिया था। कमल ने आरोप लगाया था कि जेल से छुड़ाने के लिए रायपुर निवासी आरोपी रंजीत सिंह सैनी 20 लाख रुपए उसके परिवार से वसूला था। इस मामले में आरोपी रंजीत सेन के खिलाफ धारा 388, 506 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। जैसे ही प्रकरण दर्ज हुआ आरोपी घर से फरार हो गया, गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाकी मामले की जांच जारी है। सुपेला में 2021 में एक एफआईआर है, जो एक्सटॉर्शन का एफआईआर है, उसमें दो आरोपी हैं। इसमें एक आरोपी रंजीत सिंह सैनी को दो दिन पूर्व दुर्ग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जीपी सिंह सर पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है, तो नोटिस देके जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थी कमल कुमार ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर का लेन देन का विवाद था, साझेदार ने बड़ी रकम डकार ली थी, तब रायपुर रेंज आईजी जीपी सिंह थे। कथित तौर पर जीपी सिंह का साझेदार को सपोर्ट था, जिसकी वजह से उसे पैसे तो नहीं मिले मगर फर्जी केस में फंसा दिया गया। जब कमल फर्जी केस में जेल चला गया, इस दौरान कमल कुमार की पत्नी और परिजनों से केस कमजोर करने के एवज में 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। पीड़ित की पत्नी से 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पर वसूले भी गए। वाइफ उनसे रंजीत सैनी और उनके पास में बाचू और मेरे एक मित्र था विजय सिंह और मेरे एक साला आया हुआ था। हाँ, ये लोग रंजीत सैनी को बुलाए और रंजीत सैनी से बात किए। रंजीत सैनी ने बोला कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप मेरे साथ चलो। तो हमारे घर से सीधा रायपुर चले गए। रायपुर जीपी सिंह जी के घर था कि वो मेरी वाइफ को भी नहीं मालूम या ऑफिस था, वहाँ गए। रंजीत सैनी हमारे को बोला कि यहीं खड़े रहो, मतलब मेरी वाइफ को बोला कि यहीं खड़े रहो आप लोग, साले को। वो लोग वहीं खड़े रहे और जब तक वो अंदर गया और जीपी सिंह से बातचीत किया और कुछ समय में आ गए, बोला आपका काम हो जाएगा, आपका केस कमज़ोर हो जाएगा, बट आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ ने कैसे जैसे करके बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 20 लाख रुपए हम लोग दे देंगे, ज़्यादा नहीं है हमारे पास में, दे दिए। हाँ, तो 20 लाख की हाँ भरी। फिर दूसरे दिन मेरी वाइफ मेरे से मिलने आई कि बोले 20 लाख रुपए डिमांड कर रहा। तो मैं बोला देखो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, तो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अपना थोड़ा मुसीबत का टाइम है, टल जाएगा, बट इतना घबराने की कोई वो नहीं है। वाइफ रो रही थी, बच्चे छोटे थे, तो काफ़ी वाइफ भी मैं भी नहीं देख पा रहा था वाइफ की तरफ, तो बड़ा मतलब वो था कष्टदायक। मैं वही चाहता हूँ, न्याय मिले और मुझे विश्वास है न्यायपालिका और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और सभी पे वो है कि मेरे को न्याय मिले। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।